भोजन खाने उठा उम्र और स्वास्थ्य के चलते वर्चुअली मौजूद रहेंगे दोनों। कानपुर में डबल मर्डर, सनसनी पत्थर से सिर खुजलकर पति पत्नी की बेरहमी से हत्या, पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेश पांडे। रामकाज को अपने जीवन का ध्येय मानने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अयोध्या की धरती पर हैं और वो जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं ताकि 5 अगस्त को भव्य और दिव्य आयोजन हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं। सदियों से जो इच्छा थी, जो मांग थी अयोध्या के लोगों की, पूरे देश के लोगों की, राम भक्तों की, वो पूरा होने जा रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हफ्ते में दूसरी बार आकर एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। वो हनुमान गढ़ी पहुंचने वाले हैं, वहां महंत राजू दास से मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हनुमान गढ़ी दर्शन करेंगे, उसके बाद ही भूमि पूजन के लिए वो जाएंगे। ऐसे में वो हनुमान गढ़ी में जाकर दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही साथ महंत राजू दास से बात करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। हमारे साथ अयोध्या के तमाम साधु संत मौजूद हैं, कर्पात्री जी हैं, सत्येंद्र दास जी हैं, मिश्रा जी हैं, वरुण दास जी हैं, और इन सारे लोगों की जो आशा आकांक्षा थी अयोध्या के लोगों की, साधु संन्यासियों की, वो पूरी होने जा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कमी न रह जाए इसके लिए वो एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये खासियत है कि जब जब प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में आते हैं तो वो 1 से 2 दौरा करते हैं और उन स्थलों का निरीक्षण करते हैं, अपनी नजरों से उसे गुजारने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कमी न रह सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सदियों से जो आकांक्षा थी इस अयोध्या की पूरी हो रही है और राम राज की परिकल्पना को अयोध्या में साकार करने का जतन चल रहा है। और यही वजह है कि मैं इस वक्त राम की पैड़ी पर हूं और ये जो तैयारियों को आप देख रहे हैं, ये जो धुलाई हो रही है, जो सफाई हो रही है, इसी तरह की तैयारी, इसी तरह की धुलाई, इसी तरह की सफाई पूरी अयोध्या में है। मैं इस वक्त राम की पैड़ी पर हूं तो अपनी नजर से, कैमरे की नजर से आपको दिखा रहा हूं कि जो तैयारी आपको राम की पैड़ी पर देखने को मिल रहा है, वही तैयारी पूरे अयोध्या में और देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि अयोध्या को भव्य और दिव्य दिखाना और विश्व पटल पर एक तरह से इसकी ऐसी अमिट पहचान बनानी है कि पूरा विश्व देखते रह जाए। जो साधु संन्यासी हैं वो इतना खुश हैं, इतना खुश हैं कि हम तो पहले भी अयोध्या आते थे, लेकिन जो खुशी का आलम उनके चेहरे पर है वो पहले नहीं दिखाई देता था। और यही वजह है कि हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, साधु संतों से भी मिल रहे हैं, आप लोगों की जो भावना बहुत पहले से अरसे से थी उसका प्रकटीकरण होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप सही कह रहे हैं, 500 वर्षों के बाद में, जैसे भगवान 14 साल जब वनवास काल में थे, अयोध्या सुनी हो गई थी, अयोध्या में कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाया गया, लेकिन जैसे ही भगवान का वनवास काल खत्म हुआ तो इस तरह का महोत्सव मनाया गया था और रामराज की जो स्थापना हुई आज तक चल रही उसकी चर्चा, उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का जो 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है उसको लेकर के सभी साधु संत, धर्माचार्य, जगत गुरु, अयोध्यावासी, अपित पूरे देशवासी इतने खुशी हैं कि ऐसी खुशी अभूतपूर्व नजर आ रही जो कभी पूर्व में नहीं देखी गई है। और पूरे देश में दिया जलाए जा रहे हैं, पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भारत पुनः विश्वगुरु बनने जा रहा है और राम मंदिर के साथ साथ राम राज का श्री गणेश होने जा रहा है। ये पहली बार जो है मोदी जी के नेतृत्व में, या तो त्रेता में हुआ था या तो कलयुग में मोदी जी के नेतृत्व में, ये 5 अगस्त को होना है। राम राज की परिकल्पना अयोध्या में साकार करने की कोशिश है और इसी कोशिशों के मद्देनजर आप देख रहे हैं कि राम की पैड़ी पर ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये सरयू का जल जो प्रवाहित हो रहा है, ये एक तरह से ये प्रतीक है कि लोगों के बीच में जो उत्साह है,
जो पवित्रता है, जो एक तरह से इच्छा थी उनकी, वो पूरी हो रही है। हमारे साथ करपात्री जी हैं। करपात्री जी, बहुत समय से आप इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और हम जब भी अयोध्या आते थे आपकी मांग यही होती थी कि रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, आपका विश्वास कहता था और आपकी वाणी से ये लगता था कि ये साकार होगा और अब वो साकार होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ठीक है, 6 महीना पहले मैंने घोषित किया था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा और भगवान ने संतों की वाणी को जो है सुना है और तिथि निश्चित हो गई है और बड़ी खुशहाली है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अब देख रहे हैं कितनी सफाई हो रही है, तो सकुशल सब संपन्न होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम सब बहुत खुशहाल हैं और हर तरीके से तैयार हैं, पलट पौड़े बिछाए हुए हैं कि आज राम जी के जन्म का शिलान्यास किया जाएगा 5 तारीख को। पूरी अयोध्या में प्रसन्नता है। हनुमानगढ़ी के बाद राम की पैड़ी पर मुख्यमंत्री आएंगे और यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी के लोग हैं वो राम की पैड़ी पर आ गए हैं और कार्यक्रम में जो आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था उसमें राम की पैड़ी पर आना नहीं था, लेकिन अचानक कार्यक्रम बना है मुख्यमंत्री का और किसी भी क्षण वो राम की पैड़ी पर आ सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री का कहीं भी ऐसा कार्यक्रम न हो जाए, कहीं प्रधानमंत्री ऐसा न कह दें कि हम राम की पैड़ी जाना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, तो अयोध्या की हर वो महत्वपूर्ण जगह जहां प्रधानमंत्री जा सकते हैं और जहां एक प्रतीक है अयोध्या की भव्यता की दिव्यता के लिए, उसको सजाने और संवारने का काम चल रहा है और यही वजह है कि पूरी अयोध्या को साफ सुथरा और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। वरुण दास जी, क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर है और पूरे अयोध्या को पीताम्बरी कर दिया गया है, पीला कर दिया गया है, क्योंकि हमारे भगवान राम लला बालक हैं और जो बालक रहते हैं तो माता कौशल्या भी पीला वस्त्र पहनाती है। पीत झगुलिया तन पहिराये, उसी तरह से। और भगवान को हिरण गर्भ कहा गया है, सोने के कलर का कहा गया है और सोना भी पीत कलर का होता है, इसलिए अयोध्या को देखेंगे आप पीले कलर से पूरा पेंट कर दिया गया है, क्योंकि यह शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त में भी पीले अक्षर डालकर ही मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरी किया जाता है। वेद भी कहता है ओम हिरण गर्भ शंबरतदाग्रे भूतस्य जातपतिरेकयासित सदाधार कस्मै देवाय हविखा विधेम। ये पूरा वातावरण, पूरा प्राकृतिक, पूरा देश और विश्व इस घड़ी का इंतजार कर रहा है कि वो समय कब आए और कब उस घड़ी के पलक पावड़े बिछाकर हम उस जी। अब वो घड़ी आ गई है, घड़ी आ गई है 5 अगस्त को और मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ भी आ रहे जिस स्थल पर आप खड़े हैं और वो भी प्रेस करेंगे यहाँ पर आने के बाद, वो भी सब अपनी बताएंगे, सारी तैयारियों के विषय में बताएंगे, देश से निवेदन करेंगे, संदेश देंगे अपना। वो घड़ी की प्रतीक्षा मतलब 5 तारीख को वो 12 बजे का जो मुहूर्त है उसकी बात मैं कह रहा हूँ कि उस समय अपने नेत्रों से लोग देखना चाहते हैं, सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी प्रकृति है, सब उसको देखना चाहती और सब उसके साक्षी बनना चाहते हैं कि हम भी राम राज्य के साक्षी बने। वरुणदास जी, कुछ तो बात है कि इस बदली हुई फिजा में ये मुस्कुराहट देखने को मिल रही है और ये फिजा भी बदली हुई है, तो कुछ तो बात है अयोध्या के लिए। मिश्रा जी, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या में बहुत कुछ बात है ये, क्योंकि यहाँ त्रैलोक का निगाह होता है। जब राम पैदा हुए थे इसमें सभी देवी 33 करोड़ देवी देवता यहाँ आए हुए थे, यक्ष गंधर्व किन्नर के सही सब यहाँ आए थे। वो जब 400 वर्ष पुराना ये मामला हल होने वाला है और राम मंदिर की भूमि पूजन के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आ रहे हैं, अयोध्या वासी नहीं पूरे साधु संत करोड़ों राम भक्त खुश हैं, यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए हुए हैं कि वो आएंगे, वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब भूमि का पूजन करेंगे प्रधानमंत्री जी। और जो 10 लाख कार सेवक हमारे बलिदान हुए हैं उनको भी खुशी होगी, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और अयोध्या वासी नहीं पूरे विश्व के लोग दीपक जला करके दीपावली के समान, जैसे त्रेता में दीपक जला करके उनका राम जी का स्वागत किया गया था, उसी तरीके से अयोध्या वासी और पूरा विश्व हिंदू समाज दीपक जला करके उनका स्वागत करेगा। साथ साथ हिंदू के साथ मुसलमान भी दीपक जलाने के लिए, राम कार सेवा करने के लिए लोग तैयार है, लाखों मुसलमान भी कार सेवा करने के लिए यहाँ तैयार है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी जैनी सभी धर्म सभी वर्ग के लोग कार सेवा करने के लिए तैयार हैं, राम मंदिर में शरीक होने के लिए तैयार हैं। 70 साल के अदालती जद्दोजहद के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई है कि साधु सन्यासियों के चेहरे पर जो मुस्कान आप देख रहे हैं वो वही वजह है कि 70 साल की अदालती जद्दोजहद के बाद आखिरकार
बहुत दिनों से इंतजार था और 500 साल से तो वो तीर कमान की लड़ाई और झगड़ा और अदालत का चक्कर, और अब तो वो घड़ी आ गई। देखिए 500 वर्ष बीत गए, 70 वर्ष भी बीत गए, लेकिन आज वह घड़ी आ गई जो कई पीढ़ियां इंतजार करती रहीं, और कई पीढ़ियां हमारी इंतजार करते करते चली गई, लेकिन आज वह पल आया है जिस पल को हम लोग बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी बाबा विरामदास जी महाराज ने, पूज्यपाद परमहंस जी महाराज ने, अशोक सिंघल जी ने, अन्यान सभी संतों ने, लड़ाई लड़ने के बाद आज वह घड़ी आ गई माननीय। और वह मैं मानता हूँ जिस तरह से 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जो शिलान्यास के लिए आ रहे हैं, शिला पूजन के लिए आ रहे हैं, तो शिला पूजन तो एक माध्यम है, वास्तविकता माननीय प्रधानमंत्री जी उस सपने को साकार करने के लिए आ रहे हैं जो परमहंस जी, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी की समाधि पे जो संकल्प लिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उस संकल्प को दोहराने के लिए, उनके पूर्ण इच्छा को करने के लिए कि जो संकल्प लिया था कि उस दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि रामचंद्र परमहंस जी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होगी जिस दिन राम मंदिर का निर्माण होगा। तो मुझे यह लगता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस सपने को साकार करने के लिए, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 5 तारीख की तिथि को सुनिश्चित किया है, और वह तिथि आ गई है और उनके संकल्प को पूर्ण करने का वह अवसर आ गया है। जी, गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं, अयोध्या में मौजूद हैं। योगी और मोदी की जोड़ी से आप लोगों को उम्मीद थी जब 2017 में योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो आपको लगता था, साधु संतों को लगता था क्या कि इस जोड़ी से वो घड़ी आएगी जिसका इंतजार था? हम लोग यह कहते थे कि योगी जी हनुमान जी हैं तो मोदी जी श्री राम जी हैं, और अब जरूर राम मंदिर बनेगा। हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया था कि अब राम काज हो के रहेगा, और वास्तव में जो कल्पना नहीं की गई थी वो हुआ। अब इतना अच्छा जो जजमेंट आया, और विपक्षी ये कांग्रेसी कहते थे खून की नदी बह जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो सभी के हैं। देखा यह जा रहा है कि राम मंदिर में पूरे देशवासी खुशी से झूम रहे हैं, और निश्चित है कि यह जो 5 अगस्त है, वैसे तो 5 अगस्त को पिछली बार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 भी हटाया गया था, तो राष्ट्र की एकता अखंडता का दिवस भी है और राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, इसलिए यह राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों का यह जो है एक साक्षी बनेगा 5 अगस्त। और 5 अगस्त को जो अभिजीत मुहूर्त है, इतना अच्छा मुहूर्त आया हुआ है कि एक बार वो आया था त्रेता युग में जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, और दूसरी बार आ रहा है जब भूमि पूजन मोदी जी करने जा रहे हैं, तो इससे यह लग रहा है कि फिर वही पौराणिक काल और वैदिक काल का इतिहास दोहराया जाएगा। जो राम राज की चर्चा थी वो पुनः देखने को मिलेगी, और विश्व के कोने कोने से जब लोग आएंगे तो देखेंगे कि यहीं से मानवता का अभ्युदय हुआ है, यही भारतीय संस्कृति के कारण भारत जो है विश्व गुरु है, और यहीं से लोग मानवता की शिक्षा लेते रहे हैं। पूरे दुनिया में भले ही राजा होते थे, लेकिन सबके ऊपर शासन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट भारत और भारत में ही अयोध्या में बैठा करते थे, और आज तक पिछली सरकारों ने नजरअंदाज किया था, उपेक्षित किया था, लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट जो है योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी, ये जब से आए हैं तब से लगातार अपनी संस्कृति को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम साधु संत धर्माचार्यों में बेहद उत्साह है, और भूमि पूजन के साथ साथ भारत में राम राज का श्री गणेश होगा, ये हम लोगों को, हम लोगों ने ज्योतिष से देख लिया है। ऐसी बात है, 5 अगस्त का भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर भी प्रतीकात्मक महत्व है। 5 अगस्त को ही पिछले साल धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया था पार्लियामेंट में, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के साथ ही, जन्म के साथ ही धारा 370 को निष्प्रभावी करना और राम मंदिर में भव्य मंदिर का निर्माण करना राम जन्मभूमि पे, तो ये एक जो परिकल्पना थी, जो घर बैठिए एंड डिस्कवर मोर, एक फॉर्मूला पूरे परिवार के लिए, आपके दिल और दिमाग को एंटरटेन रखेगा। इस प्राइम डे होगा मनोरंजन का मजा अब ज्यादा, क्योंकि अब आएगा मनोरंजन का असली मजा। दिस प्राइम डे मनोरंजित रहो एंड डिस्कवर जॉय। Amazon प्राइम डे, ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट, ब्रांड न्यू लॉन्चेस, डिस्कवर जॉय ऑन 6th and 7th August। जॉइन प्राइम। बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल एच रोजाना।
इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल एज रहो चार्ज। Thermocool Home Appliances family wishing you a very happy Raksha Bandhan. क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। मैं सोच रही थी कि इस टाइम कुक भैया को उनकी सैलरी के ऊपर थोड़े और पैसे दे दूं। मैं भी सोच रहा हूँ मौसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैश विड्रॉ करके ला। कैश क्यों, तो अपने अमेज़न से बैंक ट्रांसफर कर दे। अरे हाँ यार, कुछ जरूरी कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर के लिए अमेज़न। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? हजार साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। इंडिगो फैंस कॉन्डुइट पाइप्स विशिंग यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। कण कण में भारत, अपने रग रग में भारत, इसी से रोशन इसी से उज्जवल। बरसों से अपना पथ भारत से है हम, भारत जैसे हम, भारत से है हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। पता है अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की, और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न, ग्रोसरीज की अपनी दुकान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी सुबह आपकी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बदल रहा अयोध्या धाम, राम की पैड़ी के रंग, भक्ति की धारा के संग, अरे लिख दो मारे से जुड़ी हर पहल, तैयारियों का पल पल। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ एसआर इंपीरियल स्टील से। ये लीजिए अमेज़न। और तुम? आपने रनिंग एट होम शुरू कर दी तो मैंने भी कर ली ऑनलाइन शॉपिंग की नई शुरुआत। हर वैरायटी का सामान और हिंदी में शॉपिंग करने की ऑप्शन भी। अब से अमेज़न मेरी अपनी दुकान। Thermocool Home Appliances family wishing you a very happy Raksha Bandhan. गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355204443। पता है अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की, और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न, ग्रोसरीज की अपनी दुकान। बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एनश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। एनश्योर रीगेन स्ट्रेंथ विद इन वीक्स। इंडिगो फैंस कॉन्डुइट पाइप्स wishing you a very happy Raksha Bandhan. घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड, या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। Thank you.
स्वागत है राम की पैड़ी से। मैं वीरेश पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं साधु सन्यासियों के साथ। अयोध्या के वो संत हमारे साथ हैं कि जब हम इससे पहले आते थे तो हमेशा इनके संघर्षों को देखते रहे हैं और इन्हीं के संघर्षों से, इन्हीं की तपस्या से आज वो शुभ घड़ी आने वाली है। 5 अगस्त आने वाला है, बहुत सारी तपस्या और इनके गुरुओं की तपस्या लगी हुई है, तब जाकर ये वक्त आया है और उसके बारे में इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब राम घाट पर राम की नगरी में मैं 12 दिनों तक निराजल आमरण अनशन किया और फिर 19 दिनों तक जो है तो कुंभ में किया, जब योगी जी ही तोड़वाए थे मेरा आमरण अनशन, तो ऐसा नहीं लंबे काल से साधु संत लगे हैं और अभी तक सब लगे ही रहे। और राम जी तो ऐसे हैं, देखिए कि यहाँ राम राम से जो है अभिवादन शुरू होता है और मरने के बाद भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है उनकी तुलना राम समान प्रभु राम अस निगम कहे, राम के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही भारतीय संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है वही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति को किसी को जानना है तो राम जी के समग्र चरित्र को जानना होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण है, यह भारतीय संस्कृति के साथ साथ राष्ट्र के गौरव का स्वरूप होगा। और सबसे मजे की बात तो यह है कि जो पाकिस्तान जो है अब मातम मनाने की तैयारी कर रहा है, हमने उसकी आलोचना नहीं किया, हमने कोई अटैक नहीं किया, हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन वहां मरनी पड़ गई है पाकिस्तान में, मातम मनाए जा रहे हैं। गुरु जी राष्ट्रीय गौरव के साथ साथ ये जो आध्यात्मिक चेतना है और जिस चेतना की आप बात कर रहे हैं, इस सरयू को मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो निर्मलता है, जो एकदम जो सरलता है, ये जो सादगी आपको दिख रही है, जो निश्चलता दिख रही है, इसी तरीके से जो हमारे साथ ये करपात्री जी हैं, करपात्री जी के बारे में मशहूर है कि आज भी इस तरह से आरओ केंट पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां लग गई और स्वच्छ जल और पता नहीं किस तरह की बातें होने लगी, लेकिन आज भी करपात्री जी सरयू का जल ही 18-20 साल से पीते हैं करपात्री जी, और उसी से आचमन करते हैं, वही जल ग्रहण करते हैं, उसी से भोजन करते हैं करपात्री जी, ये आस्था है आपकी जी। अभी मैं देख रहा था सुबह पाकिस्तान के मंत्री से बात हो रही थी, लद्दाख के मंत्री से बात हो रही थी, वो लोग लद्दाख वाला चाइना वाला मंत्री बोला कि हम सीमा में अपना बम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा था कि 5 को हम जो है आतम मनाएंगे, मातम मनाएंगे।